हेलो फ्रेंड्स, भारतीय क्विजिन में आपका स्वागत है। अभी कैरी का, आम का बहुत सीजन चल रहा है और इस समय पे आप इनकी बहुत सारी डिशेस बनाकर खा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कच्चे आम का मुरब्बा या कैरी का मुरब्बा। आइए देखते हैं इसमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, कच्चे आम या कैरी का मुरब्बा बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने ले रही हूँ 2 कैरी, 1 प्याला चीनी। खट्टा मीठा इसका टेस्ट देने के लिए डालेंगे इसमें नमक, काली मिर्ची और भुना हुआ पिसा हुआ जीरा। आप चाहें तो इसे खाली चीनी और कैरी से भी बना सकते हैं। कैरी को मैंने अच्छे से धो लिया है, अब इसको छील कर और घिस लेंगे, फिर बनाएंगे इसका मुरब्बा। फ्रेंड्स, ये मैंने कैरी को अच्छे से घिस लिया है, घिया कस से घिस लिया है इस तरीके से। ये देखिए, आप चाहें तो टुकड़ों में भी काट सकते हैं और आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मैंने इसको ग्रेट किया है। कैरी को अच्छे से धो लेना है और फिर इसको सूखे कपड़े से सुखा लेना है, पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। पहले सब काम करना है, इसको ग्रेट करने के बाद इसको नहीं धोना है। गैस पर मैंने पैन रख दिया है, अब इसमें डालेंगे ये कैरी का घिसा हुआ गुदा और इसी में साथ के साथ डाल देंगे ये चीनी। अच्छे से इसको हिला लेंगे, बीच बीच में हिलाते भी जाएंगे और भी, और एक तार की चाशनी बनने तक हम इसको पकाएंगे। करीब 15-20 मिनट लगेंगे इसको बनने में। चीनी आप कैरी के टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कमते भी कर सकते हैं। और गैस को हमें हाई पर ही रखना है। जब अच्छे से पक जाए तो 5-7 मिनट के लिए सिम गैस पर पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इस गैस को धीमी कर दी है और हमारे इस मुरब्बे को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। इस चेक कर लेते हैं अब इसकी चाशनी निकाल के, और कैरी भी हमारी गल गई है। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को एक तार, ये यहीं तक हमको पकाना है। गैस बंद कर देंगे और चाहे तो आप इसको इसी तरीके से रख सकते हैं। ठंडा होने पर आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए 1 महीने तक और खाते रहिए जब इच्छा हो। मैंने यहाँ पे कम बनाया है, आप ज़्यादा बनाना चाहें ज़्यादा बना के रख सकते हैं, और चाहे तो इसमें थोड़ा और खट्टा मीठा टेस्ट करने के लिए आप इसमें नमक, काली मिर्ची और भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। तैयार हो गया हमारा कच्चे आम का या कैरी का मुरब्बा। इस तरीके से आपको इसको रखना है। फ्रेंड्स, कैरी का मुरब्बा ठंडा होने पर आप इस तरीके से किसी कांच की बरनी में, जो मेरे पास कांच की छोटी बरनी है इसमें भर लिया है मैंने, रख सकते हैं। 2-3 दिन तक आराम से आपको इसको बाहर रख कर भी खा सकते हैं और महीने भर तक आप इसको फ्रिज में रखकर आराम से खा सकते हैं। स्टोर तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग भी स्टोर करके रखिए कांच की बरनी में, सूखी, एकदम साफ सूखी कांच की बरनी होनी चाहिए, उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसे खाया जा सकता है रोटी के साथ, ब्रेड के साथ या ऐसे ही, और बच्चों को टिफिन में भी आप इसको लगाकर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाकर देखिए मेरी तरीके से
कच्चे आम का मुरब्बा या कैरी का मुरब्बा, इसको बनाकर आप लोग स्टोर कर सकते हैं महीने भर तक फ्रिज में। आप चाहें तो इसे खाली चीनी के साथ भी बना सकते हैं, और चाहें तो और दूसरे मसालों के साथ भी बना सकते हैं। चीनी अपने हिसाब से ज़्यादा कमती कर सकते हैं, बनाकर देखिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में मेरा वीडियो शेयर कीजिए, और आगे भी इसी तरीके की रेसिपी देखने के लिए राइट साइड में जो बेल आइकन का बटन है प्लीज़ उसे प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।